आजकल सारा दिन फोन, लैपटॉप और कंप्यूटर स्क्रीन पर नजरें रखने के कारण आंखों के स्वास्थ्य पर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ रहा है, जिसके कारण छोटी उम्र में ही युवा पीढ़ी को चश्मा लग रहा है। आंखों की रोशनी कमजोर होने का कारण होता है विटामिन ए, इसलिए यदि आपको कंप्यूटर और लैपटॉप पर काम करना है तो आपको विटामिन ए अपनी डाइट में शामिल करनी चाहिए। उम्र बढ़ने के साथ हमारी आंखों में क्षयकारी बदलाव आने शुरू हो जाते हैं, जिसके कारण धीरे धीरे दृष्टि भी कमजोर होने लगती है। लेकिन यदि भोजन में पोषक तत्वों की कमी हो जाए और अनुचित जीवन शैली का पालन किया जाए तो ये बदलाव समय से पहले ही आने लगते हैं। विटामिन सी और विटामिन ए, विटामिन ई, जिंक, ल्यूटीन, जियाजेकथिन और ओमेगा 3 फैटी एसिड हमारी आंखों के स्वास्थ्य को बनाए रखने में अहम भूमिका निभाते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ऐसे कौन कौन से खाना है, कौन कौन से फूड है जिसको हम खाएं तो हमारी आंखों का चश्मा उतर सकता है, विटामिन ए की कमी हमारे शरीर से पूरी हो सकती है। तो दोस्तों, वीडियो में लास्ट तक बने रहना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। साथ ही साथ अगर आप हिमाचली हर्बल में नए हो दोस्तों, तो हिमाचली हर्बल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक आसानी से पहुँच सके। अब बात करते हैं उन फूड के बारे में जिनके खाने से विटामिन ए की कमी पूरी होती है। तो सबसे पहला खाना है भिंडी। भिंडी की सब्जी आप अपनी डाइट में शामिल कर सकती हो, क्योंकि इनमें ल्यूटीन नामक पोषक तत्व पाया जाता है जो बीटा कैरोटीन का बहुत ही अच्छा स्रोत होता है। साथ ही साथ ये विटामिन, फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट खनिज का एक अच्छा स्रोत है। भिंडी में कैल्शियम, पोटाशियम, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस, आयरन जैसे मिनरल्स भी भरपूर पाए जाते हैं। आप कच्ची भिंडी सुबह उठकर खाली पेट खाएं, इससे आपको आई साइट में मजबूती मिलेगी और साथ ही साथ जो आपका वजन बढ़ रहा है सारा दिन बैठ के लैपटॉप में काम करके, उसे भी रोकने में मदद मिलेगी। तो भिंडी खाने से आपके दो फायदे हो जाएंगे, एक तो आपका वजन कंट्रोल में आ जाएगा, दूसरी आपकी आई साइट भी मजबूत हो जाएगी, आपकी आंखों का चश्मा भी उतर जाएगा। दूसरा फूड है सैल्मन मछली। जो सैल्मन मछली होती है वो आंखों के लिए बेहद ही फायदेमंद होती है, क्योंकि इसमें पाए जाने वाला ओमेगा 3 फैटी एसिड रेटिना को स्वस्थ बनाए रखने में सहायता करता है। यदि आपको ड्राई आंखों की समस्या है तो उसमें भी मछली आपके लिए बहुत ही लाभकारी, बहुत ही फायदेमंद मानी जाती है। इसके सेवन से आँखों की रोशनी भी बढ़ती है। तीसरा मैजिकल फूड है दोस्तों आंवला। आप आंवले का सेवन आंखों को स्वस्थ रखने के लिए कर सकते हो, क्योंकि इसमें विटामिन ए काफ़ी अच्छी मात्रा में पाया जाता है। आप आंवले का जूस पी सकते हो, मुरब्बा खा सकते हो या इसे कैंडी के रूप में भी खा सकते हो। आंवला दोस्तों एक ऐसा मैजिकल फूड है जो आपके शरीर के लिए बेहद ही फायदेमंद होता है। और चौथा फूड है गाजर। आप गाजर का सेवन करते ही हो दोस्तों, तो हम आपको बताते हैं कि अगर आप गाजर का नियमित तौर पर सेवन करते हो तो आपकी आंखों की रोशनी को बढ़ाने में मदद करता है, क्योंकि इसमें विटामिन ए, विटामिन सी, बीटा कैरोटीन, एंटीबैक्टीरियल गुण पाए जाते हैं जो कि आपकी आंखों में होने वाले इन्फेक्शन, ड्राइनेस, जलन, खुजली जैसी समस्याओं से राहत दिलवाने में मदद करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, ये चार सुपर फूड ऐसे हैं जिनको आप अगर अपनी डाइट में शामिल करते हो तो आप अपनी आई साइट को स्ट्रॉन्ग बना सकते हो। ये जो सारा दिन हमारी मजबूरी है लैपटॉप के सामने बैठना, कंप्यूटर के आगे काम करना, जिससे आपकी आंखों में जलन होती है, आपकी आंखों की रोशनी कमज़ोर हो रही है, उन सबसे आपके शरीर को लड़ने में ये सभी फूड आपको क्षमता देते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं कल आपके साथ एक ऐसी नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक दीजिएगा मुझे इजाज़त। धन्यवाद।